हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि माय स्टेप मॉम्स डॉटर इज माय एक्स एपिसोड 8 आ गया है, तो इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिजुतो और हिगासिरा लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। तभी हिगासिरा मिजुतो से कहती है कि मैं तुम्हारा बुक सेल्फ देखना चाहती हूँ और तुम मुझे इसका वजह मत पूछना। ये मेरा पर्सनल डिजायर है कि मैं तुम्हारा बुक सेल्फ देखूँ। मैं आखिर जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम कौन सा नॉवल पढ़ते हो और ऐसी कौन सी कैरेक्टर जो तुम्हें जूनियर हाई स्कूल में सेक्स के लिए एनलाइट करता है। और हिगासिरा मिजुतो को मॉक करते हुए कहती है कि ऐसी एक दो नॉवल तो तुम्हारे पास होंगे ही जो तुम अपने पेरेंट्स से छुपा के अपने बुक सेल में रखते होगे। और ये सुनने के बाद मिजुतो उसे थोड़ा मारता है। तो हिगासिरा कहती है अगर तुम्हें मुझे छूना ही था तो थोड़ा अच्छे से छू सकते थे और जिससे मैं अच्छा फील करूंगी। मिजुतो कहता है कि मुझे लगता है तुम मेरे लिए परेशानी खड़ा करोगे। तो हिगासिरा कहती है कि अब तुम मुझे छू तो नहीं सकते, तो तुम अपने आंखों से मुझे इशारा दे ही सकते हो। तुम मुझे नेकेड देखना चाहते हो ना। और जिसे सुन के मिजुतो कहता है कि हम दोनों आज से हमारी दोस्ती तोड़ देते हैं। तो ये सुनने के बाद हिगासिरा कहती है मुझे माफ करना, मैं मजाक कर रही थी। और वो मिजुतो के पीछे ही पड़ जाती है। तो मिजुतो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा तो तुम मेरी वर्जिनिटी को जरूर खतरे में डाल दोगी। और इसके बाद वो कहती है कि अब चिंता मत करो, मैं अब से एक अच्छी लड़की बन के रहूंगी। और वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुमसे कोई पुरानी नॉवल खरीदूं। मिजुतो कहता है कि अकेले किसी लड़के के घर में जाना क्या सही रहेगा। हिगासिरा कहती है कि तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर लिया, अब मैं किस बात के लिए डरूं। मिजुतो हिगासिरा की आंखों को देख के सोचता है कि अब मैं आखिर इससे आर्ग्यू कैसे करूं। और इसके बाद हमें इंट्रो देखा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिगासिरा मिनामी और यूमे एक जगह पर मिलते हैं, जहां पर मिनामी हिगासिरा की आउटफिट को देखने लगती है। और मिनामी कहती है कि चलो मैं तुम्हें आज का प्लान समझा देती हूँ। और इसके बाद मिनामी कहती है कि तुम कल मिजुतो के घर में जाने वाली हो, क्यों है ना हिगासिरा? क्या तुम इस तरह की आउटफिट पहन के खुद को बेवकूफ दिखाना चाहोगी? और हम आज तुम्हें ड्रेसअप के लिए हेल्प करेंगे। और तभी हिगासिरा कहती है कि तो ठीक है, चलो हम शॉप में चलते हैं। और वो कहती है कि मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है। मिनामी एंड यूमे पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जो क्लॉथ चूज करेंगे तुम्हें वो पहनना ही होगा और तुम मना नहीं कर सकते। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग शॉप में आगे होते हैं, जहाँ पर हिगासिरा ड्रेस चेंज कर रही होती है। मिनामी कहती है कि मैंने वो चूज किया, तुम्हें वो पहनना ही होगा। तभी हिगासिरा कहती है कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। तभी वो दोनों कहते हैं कि तुम ना नहीं कह सकती हो, तुम्हें पहनना ही होगा। हिगासिरा तभी ड्रेस चेंज करके उन दोनों के आगे आती है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये तो किसी हॉरर मूवी में सेक्सी कैरेक्टर की तरह दिख रही है। और वो दोनों तभी हिगासिरा की ब्रेस्ट साइज को देख के काफी हैरान हो गए होते हैं। और इसके बाद हिगासिरा फिर से आउटफिट चेंज करती है और वो कहती है कि मैं इस तरह की कपड़े इंटरनेट में देखी थी। तभी वो और एक आउटफिट में आती है और वो कहती है कि इसमें कुछ ज्यादा रिवील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सही से मूव नहीं कर सकती इसमें। और ये दोनों तो उसके आउटफिट और उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हिगासिरा तभी एम्बेरस होकर कहती है कि मुझे कोई सेंसेशन नहीं क्रिएट करनी है, मैं अपने कपड़े पहन रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो फिर से कपड़े चेंज करके बाहर आती है और वो दोनों ये देख के कहते हैं कि तुम तो ये नहीं पहनने वाली हो। और तभी मिनामी हिगासिरा की ब्रेस्ट के पास आके अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और वो तभी कहती है कि हमें तुम्हारे इतने जी कप साइज की ब्रेस्ट को छुपाना ही होगा। तभी मिनामी हिगासिरा से कहती है कि तुम्हें यूमे की तरह ही एक सॉफ्ट जेंटल लुक देना होगा और इसके लिए तुम एक ओवरसाइज टॉप पहनो ताकि वो किसी भी ड्रेस से मैच हो सके और इससे तुम्हारी बॉडी शेप भी छुप सकती है। और मिनामी ये भी कहती है कि शायद इससे तुम दोनों की स्टाइल एक तरह ही दिखेगी। लेकिन हिगासिरा, लड़कियों की दुनिया में खुद के साथ साथ दूसरी लड़कियों की आउटफिट को भी बैलेंस करना होगा। और मिनामी तभी यूमे को कहती है कि यूमे अगर तुम न्यू स्टाइल बनाओगी तो तुम दोनों के बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं रहेगी। तो हिगासिरा मिनामी प्लान करते हैं कि वो लोग यूमे को न्यू स्टाइल देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूमे आउटफिट चेंज करने के लिए जाती है और वो वहाँ पर सोचती है कि आखिर वो किस तरह जूनियर हाई स्कूल में मिजुतो के साथ मिलती थी और जब उसका बॉयफ्रेंड बना और जब यूमे वीकेंड में मिजुतो के साथ डेट में जाती थी उसे ड्रेसअप के लिए काफी परेशानी होती थी और इसलिए वो आउटफिट मैच करने के लिए वो गूगल से मदद भी लेती थी। लेकिन फिर भी यूमे को लास्ट मिनट तक ऐसा ही लगता था कि उसका आउटफिट अच्छी नहीं है और मैं क्यूट आउटफिट को पहन के उसके आगे गया, लेकिन मैं जो पहनी थी वो उसे नोटिस नहीं किया था और वो मुझे सिर्फ देख रहा था और मैं वेट कर रही थी कि आखिर वो मेरे ऊपर कब कमेंट करेगा। लेकिन मुझे उस दिन लगा कि मेरे आउटफिट बहुत ही खराब था और इसी की वजह से शायद वो मुझे एम्बेरेस करना नहीं चाहता था। लेकिन जब हम लोग फिर से वापस जा रहे थे तभी वो अचानक कहा कि मेरा आउटफिट क्यूट है। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया लेकिन वो काफी साय कर रहा था। और वहाँ पर मिजुतो कहता है कि जब हम लोग बाहर जाएंगे तो शायद तुम्हें मिनी स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए, लेकिन जब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो तुम ये पहन सकती हो। और इसके बाद मिजुतो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर यूमे सोच रही होती कि जब हम बाहर जाएंगे तो मैं आखिर क्यों नहीं पहन सकती हूँ, क्या इसका वजह यह है कि बाहर जब जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे देखेंगे। यूमे सोचती है कि मुझे ऐसा लगा वो मेरे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं गलत थी, वो पॉजिटिव था और इसी के वजह से मैं काफी खुश थी। और तभी से मिजुतो जैसा चाहता है मैं उसी तरह ही ड्रेसअप करती हूँ। और जब वो ये सब सोच रही होती है तभी मिनामी आवाज करती है और वो कहती है क्या तुम रेडी हो। और इसके बाद यूमे ड्रेसअप करके बाहर आती है। तभी हिगासिरा मिनामी उसको कहते हैं कि तुम काफी अच्छी दिख रही हो, ये स्किनी जींस तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी दिख रही है, और जिससे यूमे भी खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि मिनामी कहती है हिगासिरा से अब तुम्हारी बारी है। जब मिनामी हिगासिरा को ड्रेसअप कर रही होती है तो हिगासिरा कहती है कि मैं इसमें काफी क्यूट दिख रही हूँ,
तो मीनामी कहती है कि हम तो यही चाहते थे। और इसके बाद हिगाशिरा खुद को ही ड्रेसअप करने लगती है। तब मीनामी से वो पूछते है कि क्या मैं ये खरीद सकती हूँ। मीनामी तभी कहती है कि आखिर तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। जहाँ पर मिजुतो रिप्लाई किया हुआ होता है कि ये बुरा नहीं। वहाँ पर हिगाशिरा कहती है कि स्टाइलिंग इशाना हिगाशिरा सक्सेस हुआ। और वहाँ पर युमे भी कहती है कि तो ठीक है, मैं कल के लिए तुम्हारा वेट करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें एक लाइब्रेरी दिखाया जाता है जहाँ पर मिजुतो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास जूनियर हाई स्कूल में एक गर्लफ्रेंड थी। और तभी मिजुतो अपनी पास्ट को याद कर रहा होता है। और जहाँ पर युमे एक डिटेक्टिव नॉवल को देख के कह रही होती है कि मैं ये बुक कब से ढूंढ रही थी, लेकिन ये बुक काफी ज्यादा महंगा है। तभी मिजुतो कहता है कि मेरे पास ये नॉवल की पूरा सीरीज है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। ये बात सुन के युमे भी काफी हेजिटेट करने लगती। तो मिजुतो कहता है कि मैं वो बुक कल स्कूल लेके आऊंगा, जिसके लिए युमे भी थैंक यू कहती है। और ये सारी बातें मिजुतो अपने रूम में बैठ के बुक पढ़ते हुए सोच रहा होता है। तभी हिगाशिरा मैसेज करती है कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो मिजुतो के घर के आगे होती है। और मिजुतो हिगाशिरा को अपने घर के अंदर लाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। इसके बाद हिगाशिरा मिजुतो के रूम में जाती है और वो कहती है कि तो ये है तुम्हारा बुक सेल्फ, तो मैं क्या इसमें से कुछ बुक निकाल सकती हूँ। तो मिजुतो कहता है हाँ तुम निकाल सकती हो, लेकिन बुक रखना मत भूलना। तभी मिजुतो देखता है कि युमे भी उसके रूम में होती है और वो पूछते है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और युमे कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मॉनिटर करने वाली हूँ। और वैसे भी किसे पता है कि तुम हिगाशिरा के साथ क्या कर दोगे। तभी मिजुतो कहता है कि सब लोग घर में हैं, आखिर मैं क्या कर दूंगा। तब हिगाशिरा एक नॉवल को उठा लेती है और वो कहती है ये तो वही नॉवल है जो मैं कब से ढूंढ रही थी। और वो मिजुतो से पूछती है क्या मैं ये पढ़ सकती हूँ। और वो पूछती है क्या मैं तुम्हारे बेड में वैसे बैठ सकती हूँ। जहाँ पर वो अपनी शख्स निकाल के बेड में लेट जाती है। तभी युमे पूछती है कि आखिर हिगाशिरा तुम क्या कर रही हो। और वो कहती है एक मैन की बेड है तो इससे कोई तुम्हें परेशानी नहीं है। तब हिगाशिरा कहती है कि परेशानी लेकिन क्यों। और यहाँ पर युमे कहती है कि मैं अगर तुम लोगों के साथ रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। और मिजुतो रिप्लाई करता है कि मैंने डिसाइड किया है कि उसको मैं सेम सेक्स की तरह ही ट्रीट करूंगा, तो इसीलिए कुछ बुक पढ़ो और शांत हो जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने अपने जगह में बैठ के बुक पढ़ने लगते हैं। और युमे बुक पढ़ते हुए इन दोनों को भी देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिगाशिरा कहती है कि ये बुक आखिर खत्म हो ही गया। और वो कहती है कि मेरा कंधा दुख रहा है। और वो मिजुतो से कहती है कि मुझे थोड़ा मैसेज दे दो। तो मिजुतो पूछता है कि आखिर क्यों। और वो कहती है कि क्योंकि मेरे पास बिग बूफ है इसलिए मेरा कंधा दुख रहा है। और मिजुतो कहता है कि मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। और यहाँ पर हिगाशिरा नौटंकी करते हुए कहती है कि मेरा कंधा कुछ ज्यादा ही दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बेड के ऊपर ही कट जाएगी। मिजुतो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मसाज दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे बेड के ऊपर इस तरह की हरकत मत करो। और इसके बाद मिजुतो हिगाशिरा को मसाज देने लगता है। और हिगाशिरा तभी मिजुतो को नॉवल की कुछ अजीब बात कहने लगती है। और मिजुतो थोड़ा जोर से मसाज कर देता है। तो हिगाशिरा कहती है कि मिजुतो तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, अब ये दुख रहा है मुझे छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि युमे ये सब देख के वहां पर खड़ी हो जाती है। और वो कहती है कि क्या तुम दोनों मुझसे झूठ कह रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्यों, है ना। और वो कहती है मुझे पता चल गया तुम दोनों का कोई भी दोस्त नहीं है, और तुम्हें इसीलिए नहीं पता कि कैसे एक दोस्त के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। तो ये बात सुन के वो दोनों कहते हैं कि हमारे पास एक दो दोस्त है। और वो दोनों तभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी युमे कहती है कि बेड में इतना करीब भी होना बंद करो। और वहां पर हिगाशिरा कहती है कि ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता होगा कि तुम्हारी एक छोटी स्टेप सिस्टर है जो तुमसे प्यार करती है। और ये बात सुन के युमे चिल्ला के कहती है कि मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, और वैसे भी मैं इससे छोटी नहीं हूँ। तभी हिगाशिरा मिजुतो से कहती है कि तो मुझे सॉक्स पहनने में मदद करो। तो ये बात सुन के युमे कहती है कि ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, ये तुम खुद भी पहन सकती हो। हिगाशिरा रिप्लाई करती है कि मेरे बुब्स काफी बड़े हैं जिसके वजह से मेरे बॉडी को बेंड करना मेरे लिए काफी मुश्किल है। और इसके बाद मिजुतो उसे सॉक्स पहना देता है। और इसके लिए हिगाशिरा थैंक यू कहती है। और उसके बाद वो पूछती है आखिर टॉयलेट कहाँ पर है। युमे कहती है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी। और इसके बाद जब युमे हिगाशिरा रूम के बाहर होते हैं तो युमे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मिजुतो को पसंद करती हो हिगाशिरा। और ये सुनने के बाद हिगाशिरा कहती है कि मैं इसीलिए पसंद नहीं करती हूँ कि ताकि वो मेरा बॉयफ्रेंड बने। और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं फ्यूचर में भी उसे पसंद करता ही रहूंगी, चाहे एक दोस्त की तरह या फिर एक इंसान की तरह। तो युमे पूछती है क्या सच में तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे उसके पास गर्लफ्रेंड है इसी की वजह से प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, फिर भी मैं सच कहूँ तो मुझे बुरा तब लगेगा अगर वो किसी और को दोस्त बनाएगा तो। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा मिजुतो के साथ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी हम दोनों की दोस्ती के बीच आए। तभी युमे हिगाशिरा से कहती है कि तुम्हें भी कुछ इस तरह से ही लग रहा है क्यों, है ना युमे। तब हिगाशिरा युमे से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसा लगेगा अगर वो कहेगा कि उसके पास एक सिस्टर और भी है। और हिगाशिरा ये भी कहती है कि मैं डर जाती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि उसके आसपास बहुत लोग हैं जो मेरे को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो अकेला ही है मेरे लिए। और यहाँ पर युमे सोच रही होती है कि हिगाशिरा ये सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रही है, हिगाशिरा को ऐसा लग रहा है कहीं उसका हार्ट कहीं खाली ना रह जाए। तभी युमे हिगाशिरा से कहती है हम भी दोस्त हैं। और ये सुनने के बाद हिगाशिरा थोड़ा चौंक जाती है और वो कहती है क्या सच में हम दोनों भी।
और हिगाशिरा तभी कहती है लेकिन मिजुतो की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और युमे कहती है हाँ मुझे पता है। और तभी हिगाशिरा कहती है कि वैसे वो टॉयलेट कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युमे आके मिजुतो से सवाल कर रही होती है क्या तुम हमेशा से ऐसे ही हो, उसको सॉक्स पहनाना और उसे मसाज देना ये तुम्हारे लिए क्या नॉर्मल है। तो मिजुतो कहता है हाँ क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल है। तभी युमे अपनी सॉक्स उतार देती है और वो जाके बेड में बैठ जाती है और वो मिजुतो से तभी कहती है कि हे चलो तुम अब मुझे सॉक्स पहनाओ। तो ये देख के मिजुतो कहता है कि आखिर तुम क्यों उसके साथ खुद को कंपेयर कर रही हो। और ये सुनकर युमे कहती है कि मुंह बंद करो मुझे तुम्हें सर्वेंट की तरह ट्रीट करने से मुझे मजा आता है तो अब मुझे सॉक्स पहनाओ। तो तभी मिजुतो भी उसे सॉक्स पहनाना स्टार्ट कर देता है और युमे भी थोड़ा एम्बेरेस होने लगती है और अपनी स्कर्ट को आगे खींच लेती है। तभी हम देखते हैं कि हिगाशिरा मिजुतो को मैसेज करती है और वो मैसेज करती है कि मुझे बचाओ। जब वो दोनों नीचे आके देखते हैं तो हिगाशिरा उनके पेरेंट के साथ बात कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिगाशिरा मिजुतो रास्ते में जा रहे होते हैं। हिगाशिरा कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, मुझे वैसे नहीं पता कि फर्स्ट मीटिंग में एडल्ट के साथ कैसे बात करते हैं, वैसे उन्हें लगा कि मैं तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। और हिगाशिरा बताती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कह दिया कि तुमने मुझे डंप किया इसके वजह से अब हम लोग फ्रेंड हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तो मिजुतो कहता है कि तुमने इस तरह के जवाब दिया है जिसके वजह से उन्हें ऐसा ही लगा होगा। तो हिगाशिरा तभी कहती है कि वैसे मैं क्या करती और मैं ये उन्हें नहीं बताना चाहती हूँ कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और वो कहती है मिजुतो वैसे मैं अभी भी हर्ट हुई हूँ तो तुम्हें मुझे कम्फर्ट करना चाहिए। ये सुन के मिजुतो कहता है हाँ ठीक है। युमे तभी मिजुतो से कहती है कि पूरे दिन घर में हिगाशिरा तभी मिजुतो से कहती है कि पूरे दिन रूम में रह के बुक पढ़ना काफी अच्छी बात है। और तभी मिजुतो अपनी पास्ट के बारे में याद करता है जब वो युमे के साथ बिना बात किए पूरा बुक वो दोनों मिलके पढ़े थे और वो कहता है कि उस दिन मैं काफी खुश था। तभी हिगाशिरा कहती है कि मिजुतो तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और तभी हिगाशिरा मिजुतो को गुड बाय करके जाने लगती है। यहाँ पर मिजुतो सोच रहा होता है कि अगर हम दोनों डेट नहीं किया होता और एक दोस्त की तरह ही रहे होते क्या हम हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते थे। और वैसे मैं जो सोच रहा हूँ उसका कोई मीनिंग भी है, वो लड़की और मैं क्या इसाना हिगाशिरा और मेरी तरह हो सकते थे। और ये सारी बातें वो युमे के बारे में याद कर रहा होता है। और यहाँ पर इसाना हिगाशिरा भाग के जा रही होती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे यार आप देख ही रहे हो तो लाइक कर ही देना।